वेलकम लाइट हमने इसके अंदर जो इंस्टॉल किया ना, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे देखोगे आप, स्कॉर्पियो एन लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट अपना सिल्वर का है और ये वाला पार्ट अपना पूरा प्लास्टिक चेंज हुआ है। साथ में नीचे भी लगता है इसका प्लेट, जहाँ पे आपका स्क्रैच वगैरह का। तो पूरे इंडिया में फेमस हो रहा है निक्को भाई, तो मतलब गदर मचा रखा है इसने गाड़ी एसेसरीज के उसमें ना। ओके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि इनके यहाँ पर काम सही होता है। हेलो एवरीवन भाई, तुमसे बात करते हैं स्कॉर्पियन के एक और नई वीडियो में। तो पिछले स्कॉर्पियन के वीडियोस आपने देखी थी निक्कू भैया के पास, बट आज जो स्कॉर्पियन आई है ना, उसको अपन देसी भाई अटेंड कर रहे हैं, जो कि अभी ऑटो ग्लैमर के आप मालिक कह सकते हैं उनको। तो कैसे हो देसी भैया? बढ़िया बढ़िया भैया। तो क्या कर रहे हो आप इसके अंदर, जरा बताना एक बार। स्कॉर्पियो का सबसे टॉप वेरिएंट है एंड मॉडल एन आता है। इसमें हम चार पांच काम किए हैं। क्या क्या कर रहे हैं? पहला मटले हमने लगा दिया। ठीक है, जो देखो इस टॉप एंड वेरिएंट में कुछ में मटलब आता है, कुछ में नहीं आता है। तो अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे ना मटफ्लैप लगवा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये प्रॉपर अपना फिक्स हो चुका है मटफ्लैप यहाँ पे। तो ये मटफ्लैप होता है कीचड़ रोकने के लिए। और अपनी दूसरी डैम्पिंग हो रही है ऑटो फंड की गोल्डन सीरीज। ओके, ऑटो फंड की गोल्ड सीरीज। या ओके, तो यहाँ पे ऑटो फंड की गोल्ड सीरीज देखोगे आप, दो लेयर की डैम्पिंग होगी। एक तो इधर अंदर की तरफ हो ही रही है और एक बाहर की तरफ होगी, जिससे कि आपका जो साउंड क्वालिटी है वो तो बढ़ जाएगा, प्लस जो नॉइज वगैरह ना वो आता नहीं है। और अपना हाइपरसोनिक का एंबिएंट लाइट लग रहा है 6 पीस में। और दिखाओ जरा, और साथ में मैं आपको बताऊं तो कुछ इसमें ना ओरिजिनल पार्ट्स भी लग रहे हैं, जैसे महिंद्रा के जेन्युइन जो आते हैं ना वो है। तो एक तो अपना सबसे ऊपर दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो यहाँ पे जो महिंद्रा का ओरिजिनल रेन वाइजर आता है स्कॉर्पियो एन के लिए, वो अपना लग रहा है, मतलब लग क्या रहा भाई, लग ही गया। दूसरा भाई ने एक और चीज़ लाया इसके लिए, वो है भाई इसका स्टील स्कफ। तो देखो जो आपका स्कॉर्पियो एन में ना ये वाला प्लेन पट्टा आता है, तो इसकी जगह आप यहाँ पे लाइट वाला लगवा सकते हो। ओरिजिनल महिंद्रा का सेम ये आता है, जिसमें आपका स्कॉर्पियो यहाँ पे एन लिखा हुआ आता है और इसकी जो वायरिंग होती है ना वो कपलर टू कपलर होती है। अभी सारी वायरिंग देखोगे ना, ये सारी वायरिंग इसमें अटैच होगा और आगे जाके कपलर में जुड़ जाएगा। तो ये भी अपना मतलब बिना वायर कटिंग किए जो फिटिंग होता है ना वो ये होने वाला है। साथ में भाई जो एम्बियंस लाइटिंग बता रहे थे ना, वो है अपना ये वाला कार्डी की, जिसपे हाइपरसोनिक की बैजिंग वगैरह। फुल ऐप कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, चाबी से और टच से, चार चीज़ें उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये टोटल कलर्स की बात करें तो भाई 64 कलर्स आते हैं इसके अंदर, और वॉइस कमांड के साथ भी है, तो आप क्या जैसा मर्जी इसको चला सकते हैं, है ना जी। और क्या क्या चीज़ें जो इसमें लग सकता है बताओ जरा। अपना 70 मैट लग सकते हैं। वो 70 तो चलो अभी इसमें लगने वाला, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बताओ एम्बियंस लाइटिंग जो लगती है ना एन में, वो पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा दरवाजे पे। तो यहाँ पे प्लस डैशबोर्ड में देखोगे ना तो डैशबोर्ड में यहाँ की तरफ लगता है, सॉरी यहाँ की तरफ लगता है, और बड़ा शानदार लुक आता है इसका। बिल्कुल। और बताओ जरा और क्या क्या चीज में ऐड ऑन हो सकती है। काफी का मतलब कि जैसे फ्लोरिंग कर सकते हैं ऐसे हम। ओके, तो एक तो इसमें आप फ्लोरिंग करवा सकते हो, लाइट तो भाई इसमें आपने देख ही लिया है। और बताओ जरा टेल लाइट क्रोम लग सकते हैं अपना। चलो तो बैक में आते हैं भाई, बैक में आपको दिखाते हैं जो टेल लाइट क्रोम आता है ना इसका, वो टेल लाइट क्रोम भाई यहाँ से ऐड ऑन होके ना ऐसे आता है। तो पीछे टेल लाइट क्रोम लगवा सकते हो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप अपना रियर पाइप लगवा सकते हो, है ना। बाकी वेस वेरिएंट के आने के बाद ना इसमें जो काम है वो अपना दिख ही जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डैम्पिंग के बारे में, तो डैम्पिंग देख रहे हो भाई, डैम्पिंग अपनी दो लेयर की हो चुकी है, एक अंदर एक बाहर। और जब डैम्पिंग लग जाता है ना तो जो आपके मतलब दरवाजे का जो हैवीनेस है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अभी इसको होने देता है भाई, कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लुकअप इसका आने वाला है। बताना जरूर कि भाई स्कॉर्पियो एन की जो मॉडिफिकेशन की है वो आपको कैसी लगी। तो फाइनली भाई अपनी स्कॉर्पियो एन का जो काम है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और अब की बार जो सामान चेक करवाएंगे वो हमारे देसी भाई चेक करवाएंगे। तो देसी भाई एक एक करके जरा सामान चेक करवाओगे, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। हमें तो स्टार्टिंग दिखाई दिया, मड फ्लैग, डोर वाइजर दिखाई दिया हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो अपना मड फ्लैप है वो हमने फिट कर दिया है। ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर की तरफ महिंद्रा का ओरिजिनल जो अपना रेन वाइजर है वो अपना यहाँ पे फिट हो गया विद क्रोम फिनिश है। तो इसकी जो क्रोम फिनिश होती है ना भाई वो ही बिल्कुल डिफरेंट टाइप की होती है, मार्केट के जो हमें मिलता है उससे डिफरेंट होता है। और बताओ जी, और अपना एम्बियंस दिखाता हूं आपको। ठीक है चलो एम्बियंस आप चालू करो, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वेलकम लाइट हमने इसके अंदर जो इंस्टॉल किया ना, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे देखोगे आप, स्कॉर्पियो एन लिखा हुआ है। ये वाला पार्ट अपना सिल्वर का है और ये वाला पार्ट अपना पूरा प्लास्टिक चेंज हुआ है। साथ में नीचे भी लगता है इसका प्लेट, जहाँ पे आपका स्क्रैच वगैरह गार्ड है ना, इससे आपको स्क्रैच गार्ड वगैरह बचाता है। तो यहाँ पे देखोगे आपके स्कॉर्पियो एन का जो आता है ना वो लग चुका है इसके अंदर। यहाँ आप देखोगे वेलकम लाइट हमने लगा दिया। दूसरे एक दूर इसका प्लेट भी लगाया, जिससे आप कभी उतरते चढ़ते हो ना यहाँ पे स्क्रैचेस लगते हैं, तो इसको सेफ्टी के लिए आप इसको लगवा सकते हो। बाकी लुक वाइज के लिए यहाँ पे देखोगे तो स्कॉर्पियो एन लिखा हुआ, जिसमें ना यहाँ पे व्हाइट लाइट चलती है इसके अंदर में, और ये एन का लोगो मिल जाता है आपको रेड कलर के डिजाइन में। और भैया को मैट दिखाओगे, मैट दिखाइए। मैट जो भाई ने इंस्टॉल किया प्रीमियम वाले डाले हैं इसके अंदर, आप देखोगे तो ये दिख जाएगा। प्रॉपर फिटमेंट का देखोगे तो कहीं से भी कुछ गैप वगैरह नहीं है। एंड जो ग्रास इसका मिलता है ना वो आपको वेलक्रो वाला मिलता है, क्योंकि लॉक वाले में क्या दिक्कत होती है, लॉक वाला टूट जाता था, बट इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर फिटमेंट के साथ ही हो गया। अब दिखाते हैं आपको इसकी एम्बियंस लाइटिंग जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है वो देखो। तो एम्बियंस लाइटिंग जो लगाई है भाई पिछले स्कॉर्पियो में भी आपने देखा था यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे आपको सेम दिख जाएगा। कलर का जो ऑप्शन है ना इसका वो आपको ऐप से मिल जाता है, वहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो दरवाजों में जो एम्बियंस लाइटिंग लगती है ना भाई वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगता है, और साथ में जो आपका कॉफी ब्राउन का इंटीरियर होता है ना उसके साथ बड़ा मैच करता है, और जो कलर इसके चेंज होते हैं ना वो अलग ही होता है। तो एक बार जैसे भाई वहाँ बटन लगाओगे, जरा कलर चेंज करना इसका,
नीचे की तरफ भाई अपने स्कॉर्पियो में जैमियस लाइटिंग आते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से दरवाजों पे जो आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रिप लाइन में दिख जाएगी ब्लू कलर में। इसमें कलर ऑप्शन का चेंजेस आपके पास होता है, ये आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ से कलर आप इसका चेंज कर सकते हो। बाकी डैशबोर्ड का मैं आपको दिखाऊँ, डैशबोर्ड में आपका एक पीस यहाँ पे लगता है और एक पीस वहाँ पे लगता है, और बाकी जो लुक वाइज आप इसका देखोगे ना, वो भाई एकदम प्रीमियम और जबरदस्त लुक आता है ना देसी भाई। चलो तो क्या क्या देसी भाई ने इंस्टॉल कर दिया, एम्बेस लाइटिंग लगा दी इसके अंदर भाई ने, इसका प्लेट लगा दिया यहाँ पे आप देखोगे तो लाइटिंग वाली जो है ये इसका प्लेट यहाँ पे लग गई है, जिसमें आपको स्कॉर्पियो लिखा हुआ जल जाता है। स्क्रैच से बचाने के लिए स्टील इसका प्लेट भी लगा दिया इन्होंने, मैटिंग लगा दी इन्होंने, और क्या क्या लगाया देसी भाई इसके अंदर, वाइजर अपना लगाया हमने, डोर वाइजर लगा दिया आपने, मड फ्लैप लगा दिया आपने, और ही बहुत सी एक्सेसरीज है जो कि आप इसके अंदर में लगवा सकते हो, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्लोरिंग आप करवा सकते हो अगर आपका इंटीरियर, डैम्पिंग किया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैम्पिंग भी हुआ है इसके अंदर, तो डैम्पिंग भी किया है, तो ये सारा काम होता है इस गाड़ी के अंदर, है ना देसी भाई। चलो भाई तो ये सारा काम था, आप चलते हैं अंकल जी के पास, लेते हैं कस्टमर रिव्यू एंड भाई करते हैं वीडियो का एंड। आपको सेम एमएस लाइटिंग मिल जाती है दरवाजे पे, यहाँ से लेके और पूरा जो कलर कॉम्पैक्ट बन जाता है ना बैक दरवाजों के साथ, आप देखोगे तो कुछ ऐसा आता है। बाकी उस साइड का मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो अंदर से जो लुक आती है ना आपकी गाड़ी की, वो कुछ ऐसी आती है। मेरे भी बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। आगे हम कस्टमर रिव्यू पे, भैया हमारी गाड़ी के ओनर, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जे एस जाट है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। ओके तो निक्कू भैया का लिंक कैसे मिला आपको? भाई ये तो पूरे इंडिया में फेमस हो रहा है निक्कू भाई, तो मतलब गदर मचा रखा है इसने गाड़ी एसेसरीज के उसमें ना। ओके क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि इनके यहाँ पर काम सही होता है और रेट बड़े सही हैं इनके। जैसे मार्केट में आप जाओगे बार्गेनिंग कर लो कुछ नहीं, आँख मूंद के आ जाओ, काम कराओ ठीक है और चले जाओ, और जेनुअन पार्ट डालते हैं। मैंने देखा मेरी स्कॉर्पियो एन का ना, मैंने देखे कवर वगैरह सारे उनके जेनुअन थे, तो मेरे को अगर मैं उन्हीं चीजों को महिंद्रा से डलवाता साले लूट रहे थे मेरे को। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं तो निक्कू भाई के पास डलवाऊंगा। और यहाँ आया मैं आँख मूंद के, देखो काम कर दिया बंदों ने इतना प्यार से। और भाई इनका एक बहुत बड़ा फैन है अपना ब्लॉगर अरुण पवार भाई, अपना भाई है वो, तो उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया मैं बताऊँ। तो देसी भाई ने नई शॉप खोली ऑटो ग्लैमर, है ना देसी भाई? जी भाई तो जी। इनको देसी भाई ने आपको अटेंड किया वैसे तो कैसा लगा देसी भाई ने अटेंड किया? भाई का भाई ठीक है, व्यवहार सही है। ओके और बड़ा संतुष्टिपूर्ण, एक बार तो मैं गर्म हो गया, बच्चे सही काम नहीं कर रहे थे ना, उन्होंने तुरंत अटेंड किया, बच्चों को डांटा ठीक है ठीक, नहीं तो सब ना बच्चों की पछ लेने लगते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों से कहा भाई देख हमारे कस्टमर है और इनको सही ढंग से अटेंड करो, सही काम करो, पूर्ण संतुष्टि पूर्ण काम, पूर्ण संतुष्टि ना। तो एक रिव्यू पॉइंट्स की बात करते हैं, 10 में से कितने रिव्यू पॉइंट्स प्रेफर करते हो हमारे देसी भाई को ऑटो ग्लैमर वाले? भाई 10 में से चल यार मैं 10 ही दे देता हूँ। थैंक यू। तो धन्यवाद अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने कस्टमर रिव्यू दिया। तो देसी भाई ऐसे ही काम करते रहो भाई, भाई की नई शॉप खुली ऑटो ग्लैमर, वहाँ आप विजिट करो। भाई के शॉप का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, कुछ भी एक्सेसरीज से रिलेटेड क्वेरीज होगी ना भाई कॉल कर देना, बता देंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, उस पर आपको ऐसे न्यू वैरायटीज के कंटेंट है वो आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो शॉप हो गई, एक तो निक्कू कार, तो कपलर कार डेकोर तो था ही, एक ऑटो ग्लैमर भी ऐड हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।